हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देनी है लेखपाल के रिजल्ट के संबंध में। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेखपाल के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई आपने एग्ज़ाम करवा लिया था हमारा, 31 जुलाई को ख़त्म हो गया था पेपर आपका, और इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं थी, लगभग 2-2.25 लाख अभ्यर्थी हैं लेखपाल के फाइनल पेपर के लिए, और आप जो है अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। और जैसा भी बताया जा रहा था कि उस टाइम पर इन्होंने जब लेखपाल का जब पेपर हुआ था, उसके बाद जब लीक की खबरें आई थी, तो तुरंत तुरंत ही इन लोगों ने आंसर की जारी कर दी थी कि भाई आंसर की में आप लोग फंस के रह जाओ, आंसर की देख ली हमने, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब रिजल्ट में इतना डिले क्यों कर रहे हो? अब जबकि आप लोगों को पता है कि लेखपाल की परीक्षा के लिए हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि भाई एग्जाम हो, चलो भाई एग्जाम हो गया, उसके बाद आंसर की भी आ गई, अब रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप सभी लोगों को एक सूचना देनी थी कि अभी ट्विटर के ऊपर एक हम लोग ट्रेंड करवा रहे हैं हैशटैग को, शायद वो ट्रेंडिंग में आ जाए अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो, कि ये वाला हैशटैग आप लोगों को अभी जाके ट्वीट कर देना है। मैंने ट्वीट कर रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ट्वीट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। बाकी अगर ट्वीट को आप लोग रीट्वीट भी करते हो ना, तो वो भी काउंट हो जाता है, ठीक है। तो किसी ना किसी तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं सभी लोग, और परेशानी वाली बात भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी, आप लोग जानते ही सारी चीज़ें है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट इस चीज़ के लिए कि आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए, अगर आप लोगों ने पेपर दिया हो ना दिया हो, बस जो स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है ना वो एक साथ रहनी चाहिए। तो ट्विटर के ऊपर जाके अभी आप लोग इसको ट्वीट कर दीजिए, जिसको टैग करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी मेरे वाले ट्वीट को भी आप लोग रीट्वीट कर सकते हो, ताकि कुछ ना कुछ जो है इन लोगों को थोड़ी सी मतलब इनको शर्म आए कि इतने सभी अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है जो सुस्त पड़ा है काम, उसको थोड़ा सा तेज कर दिया जाए। तो यही आप सभी लोगों को बताना था, आप लोग जल्दी से आगे ट्वीट कर दीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।